डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। तो देखो, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मेथड हम यूज करते हैं, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉक वेरिएबल के बारे में। तो लॉक वेरिएबल वैसे तो ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई है, एक बार फिर फटाफट से बता देता हूं कि लेट्स से देयर इज अ प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। दो प्रोसेसेस हैं। P1 पहले आया, उसने लाइन नंबर 1 चलाई। स्टार्टिंग में आपकी जो लॉक की वैल्यू है वो क्या है, 0, मतलब क्रिटिकल सेक्शन खाली है। P1 आया, उसने देखा व्हाइल लॉक मतलब 0 == 1 फॉल्स हो गया, बाहर आएगा, यहां से फॉल्स होके बाहर आएगा। मतलब P1 ने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे उसने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, लॉक की वैल्यू उसने चेक की 0 == 1 फॉल्स, यहां से बाहर आते ही वो क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। लेट्स से हमने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, जानबूझ के बनाया केस ताकि आपको पता लगे कि यार लॉक वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम थी। तो देखो, P1 पहली लाइन को एग्जीक्यूट करके प्रीएम्प्ट हो गया, P2 आ गया, P2 ने भी लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, लॉक की वैल्यू क्या है, अभी भी 0 ही है ना, अभी भी लॉक की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि लाइन नंबर 2 तो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। तो P2 ने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, 0 == 1 फॉल्स हो गया, बाहर आएगा, बाहर आते लॉक इज इक्वल टू 1 किया। जैसे लॉक 1 किया, 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन एंटर कर गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P2 एंटर कर गया। मतलब P2 कहां घुस गया, P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब देखो, P2 अभी ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है। अब P1 दोबारा जाग गया, मतलब वो लेट से वॉशरूम करने गया था, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करने के बाद अब वो वापस आ गया। जब वो वापस आएगा तो वो दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर चुका है और उसने सीधा लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही उसने लाइन नंबर 2 को एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 2 क्या कहती है, लॉक इज इक्वल टू 1, लॉक पहले ही 1 है, इसको ओवरराइट कर दिया दोबारा 1 से, कोई दिक्कत नहीं, लॉक की वैल्यू को 1 करना है ना, तो लॉक की वैल्यू व्हाटएवर इट इज हमने उसको दोबारा से 1 कर दिया, चाहे 0 थी या 1 थी, दोबारा से काट के उसको 1 कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन में कौन घुस गया, P1 भी घुस गया। गेटिंग द पॉइंट। अब चाहे आप इस तरीके से P2 P3 P4 P5 जितने मर्जी क्रिटिकल सेक्शन में घुसा सकते हो, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं आ रही। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आ रही है, आपको जस्ट उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यार जो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन और नंबर 2 के बीच में प्रीएम्प्शन हो रहा है, नंबर 1 और 2 के बीच में प्रीएम्प्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आई ना टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, उसने क्या किया, उसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब इन दोनों इंस्ट्रक्शन को एटॉमिक कर दिया, एक कर दिया और उसको बना दिया ये वाइल टेस्ट एंड सेट एम्परसेंट लॉक। मतलब अब देखो, क्रिटिकल सेक्शन ये था ना 3 नंबर लाइन, उससे पहले 2 लाइन थी, इन दोनों को कंबाइन करके उसने एक इंस्ट्रक्शन यहां पे बना दी, दैट इज टेस्ट एंड सेट। मतलब यहां पे हमने हार्डवेयर का यूज करके और हमने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन बनाई जो टेस्ट भी कर रही है, मतलब जो ये यहां पे टेस्ट कर रहे हैं ना लॉक की वैल्यू वेदर 1 और 0, और उसको सेट भी कर रही है, मतलब लॉक की वैल्यू को 1 करना, सेट करना, ये दोनों काम एक इंस्ट्रक्शन कर रही है ताकि बीच में प्रीएम्प्शन ना हो सके और हम यहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर सके। बस यही इस कहानी की जड़ है। अब देखो, अब आते हैं हम टेस्ट एंड सेट पे। तो देखो, व्हाइल टेस्ट एंड सेट, और यहां पे हमने एम्परसेंट लॉक लगा दिया, क्रिटिकल सेक्शन लॉक इज इक्वल टू फॉल्स, वही ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू की वैल्यू मतलब 1 और फॉल्स की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 0, वही वाली कहानी है, सिंपल। अब देखो, ये आपका क्या है, फंक्शन है टेस्ट एंड सेट फंक्शन, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि व्हाइल जो है वो तो ट्रू और फॉल्स पे चलता है, व्हाइल के अंदर ट्रू होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, फॉल्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमने व्हाइल के अंदर क्या दे दिया, फंक्शन की कॉलिंग दे दी। अब यार इस फंक्शन की डेफिनेशन कहां है, लो जी ये इस फंक्शन की डेफिनेशन, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है बहुत ही सिंपल। देखो सबसे पहले लेट से अगेन भाई P1 है और एक P2 है, ठीक है, सबसे पहले P1 आया, सबसे पहले कौन आया, P1 आया, और इनिशियली जैसे हमने वहां पे इनिशियली लॉक की वैल्यू को 0 करके रखते हैं ना,
लॉक की वैल्यू को इनिशियली क्या करके रखते हैं, जीरो, ताकि बता सके कि यह क्रिटिकल सेक्शन खाली है। अब यहां पे हम लॉक की वैल्यू को इनिशियली क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, जीरो मतलब फॉल्स कर दिया। अब देखो जैसे व्हाइल टेस्ट एंड सेट एम परसेंट लॉक, पहले पी वन आया लेट से, और पी वन के आते ही टेस्ट एंड सेट मतलब ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होते ही मतलब यहां पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो बूलियन, क्योंकि ट्रू और फॉल्स लेकर चल रहे हैं, तो बूलियन टेस्ट एंड सेट, बूलियन ये स्टार जो है वो टारगेट, ये क्या है यहां पे, ये एक्चुअल में हमने क्या किया, स्टार टारगेट क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है टारगेट के नाम से, बिल्कुल जो गैल्विन का कोड है वही मैंने लिखा है, ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी पूछ लें आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। तो देखो लॉक हमने ले लिया एम परसेंट, हम कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू नहीं कर रहे, तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या देते हैं, एड्रेस पास करते हैं। तो देखो लॉक की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, फॉल्स ले ली, उसका एड्रेस जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1000 ले लिया, मतलब अब हम 1000 पास करेंगे। तो देखो बूलियन स्टार टारगेट, ये जो टारगेट है टारगेट के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1000 आ गई, मतलब टारगेट पॉइंट कर रहा है इस फॉल्स वैल्यू को, मतलब लॉक की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है टारगेट, गेटिंग द पॉइंट। अब देखो जी वही सी का सिंपल सा कोड है, कॉल बाय रेफरेंस वाला काम कर रहे हैं, टारगेट की जो वैल्यू है वो हमने आर में डाल दी। अब देखो टारगेट जो है वो 1000 एड्रेस है, स्टार आगे लगा दिया, मतलब टारगेट के जो अंदर जो वैल्यू है वो किसको पॉइंट कर रही है, 1000 किसको पॉइंट कर रहा है, फॉल्स, तो फॉल्स हमने डाल दिया, एक आर वेरिएबल ले लिया, तो आर के अंदर हमने इनिशियली क्या डाल दिया, फॉल्स डाल दिया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या थी, इनिशियल वैल्यू लॉक की फॉल्स थी, तो आर के अंदर क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि हमने रिटर्न करनी है ये वैल्यू, व्हाइल के अंदर रिटर्न करनी है। और टारगेट को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, मतलब टारगेट क्या है, 1000, उसके आगे स्टार, स्टार का मतलब जो टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, लॉक को, तो उसमें हमने ट्रू की जगह क्या कर, फॉल्स की जगह क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। वही टेस्ट भी कर लिया और सेट भी कर दिया, सेट करना मतलब ट्रू कर देना, वन कर देना, तो हमने ट्रू भी कर दिया और चेक भी कर लिया, और फाइनली क्या किया, रिटर्न आर। अब देखो आर की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, जो यहां पे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो वही जैसे हमने यहां पे करते हैं ना, स्टार्टिंग में ट्रू, लॉक की वैल्यू क्या थी, जीरो, जीरो डबल इक्वल टू वन, फॉल्स, यानी बाहर आके क्रिटिकल सेक्शन में, वही काम यहां पे कर रहे हैं, फॉल्स हुआ, बाहर आके क्रिटिकल सेक्शन में कौन चला गया, P1 घुस गया क्रिटिकल सेक्शन, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, लेट्स सी, अब P2 आ गया, P2 कहता है कि मुझे भी जाना है, तो P2 जैसे ही जाएगा वो अगेन वो ये भी वही ये रन करेगा, तो जैसे ही P2 आया, P2 ने दोबारा से टेस्ट एंड सेट रन किया। अब देखो हम लॉक ये आ गए अंदर, इस वाले कोड पे आते हैं, फंक्शन कॉलिंग पे आए थे, तो फंक्शन कॉलिंग से हम डेफिनेशन पे पहुंच गए। अब देखो यहां पे लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू हो चुकी है, क्योंकि P1 ऑलरेडी अंदर है। अब देखो हमने क्या करना है, स्टार टारगेट, टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, ट्रू को, तो ट्रू की वैल्यू हमने R में डाल दी, लो जी R के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, स्टार टारगेट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब टारगेट किसको पॉइंट कर रहा है, लॉक वाले को, उसको हमने ट्रू कर दिया, ये ऑलरेडी ट्रू था तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू को हमने दोबारा से ओवरराइट कर दिया, ट्रू ही रहने दिया, तो ये ट्रू हो गया, और रिटर्न कर दिया आर, मतलब जो ट्रू है ये आर की वैल्यू क्या थी, ट्रू, ये रिटर्न कर दी। तो देखो अब यहां पे रिटर्न क्या होगा, ट्रू, तो व्हाइल ट्रू का मतलब क्या है, ये इसी के अंदर फंस जाएगा, इसी के अंदर, क्योंकि सेमीकोलन है तो ये यहीं पे ही क्या हो जाएगा, लूप में फंस जाएगा, इनफाइनाइट लूप में, तो P2 एंटर नहीं कर पाएगा। तो देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपकी अचीव हो गई, गेटिंग द पॉइंट or not? अब आपके दिमाग में आएगी सर प्रीएम्प्शन, अब कोई प्रीएम्प्शन कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये दोनों काम जो यहां पे बीच में प्रीएम्प्शन हो रही थी पहले, अब इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और इससे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव कर ली, प्रोग्रेस भी अचीव हो रही है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है और कोई भी आना चाहता है वो इजीली आ सकता है, कोई एक दूसरे को रोकेगा नहीं अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है, तो यहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है ही, प्रोग्रेस भी यहां पे बाय डिफॉल्ट आपकी अचीव हो रही है। तो ये बेसिक सा फंडा है आपका टेस्ट एंड सेट का। जनरली होता है क्या, जब हम बुक्स वगैरह से या कई बार पढ़ते हैं ना, तो एक दो बार में समझ नहीं आती, तो जब आप इस वीडियो को चेक करोगे और फिर उसके बाद बुक से पढ़ोगे ना, आपको बहुत ही इजी लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।